चलिए गाइस टू टीचर आई है। अच्छा कोर्ट चूज किया है, कोर्ट से खबर ये कि टॉस जीता कैप्टन तेजगढ़ ने और कोर्ट चूज किया है। लाइन मैन हो बनाता हुआ पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। यहाँ से क्या पॉइंट लेकर के आएंगे या फिर इनका शिकार किया जाएगा। निश्चित तौर से दोनों ही टीमें अच्छी है। रेफरी महोदय पैनी नजर रखते हुए बहुत ही सुंदर एंकल होल्ड कालिंदा लाइक कॉर्नर पर। निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड किया गया था सालिंग के द्वारा। सही समय रेडल तब से रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत की है रेड की। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे। हालांकि डिफेंस में तो एक पॉइंट मिल चुका है जबकि रेड में अभी खाता खुलना बाकी है। वही गोपालपुर की बात करें तो अभी पहले पॉइंट की तलाश है उन्हें। जी हाँ बोनस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ तो इस तरीके से रेड में भी पॉइंट मिलता हुआ। निश्चित तौर से डिफेंस अच्छा खेलता है तेजगढ़ का। दोनों कॉर्नर जो के लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर पर है दोनों ग्रेट रीडर भी है अपने टीम के। और कैच भी टैकल भी आज बहुत सुंदर किया सालिम का एक और शिकार यहाँ पर राइट कॉर्नर पर। निश्चित तौर से बढ़िया खेल दिखाती हुई पहले हाफ में यहाँ पर तेजगढ़ की टीम। पांच खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर जबकि राइट कॉर्नर पर है आवेश। ज्यादा कुछ निर्भर करेगी गोपालपुर की टीम आवेश के ऊपर। टैकल बहुत ही जबरदस्त उनका भी रहता है लेकिन तस्वीर इस समय रेड करते हुए। हालांकि पिछला रेड कामयाब जरूर था बोनस के जरिए पॉइंट मिला था लेकिन इस समय बोनस है नहीं कोर्ट पे तो यहाँ पर टच पॉइंट भी ला सकते हैं। हालांकि रेड यहाँ पर एंटी जाती हुई इस तरीके से एक और रेड एंटी गई है यहाँ पर तेजगढ़ की जनरेटर गोपालपुर। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे। हालांकि अभी पहले पॉइंट की तलाश यहाँ पर गोपालपुर को 3-0 का स्कोर इस समय साली में समय रेड पर। निश्चित तौर से एक जबरदस्त रेडर है ये तेजगढ़ के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इन्हें तेजगढ़ के। निश्चित तौर से वो डिफेंस में भी अच्छा कारनामा करता है और टोटल अच्छा प्रयास है लेफ्ट कॉर्नर पर लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। रेड यहाँ पर एम पी जाता हुआ ज्यादातर यहाँ पर निर्भर कर रही है अपने आप को तेजगढ़ की टीम डिफेंस में खेलने के लिए। इधर रेडर गोपालपुर हालांकि पहले पॉइंट की तलाश है। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे या फिर इनका शिकार होगा। हालांकि रेड एम टी पर शूट किया यहाँ पर रेडर तस्वीर ने लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अच्छे स्केप के जरिए यहाँ पर अच्छे इस कैप के जरिए यहाँ पर अपने आप को बचाया रेडर तफसीर ने। और इस समय रेडर गोपालपुर जबकि पहले पॉइंट की तलाश पहला हाफ खेला जा रहा है पहला सेमीफाइनल भी है इस टूर्नामेंट का। चलिए रेड एम टी गई है चार खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर। तस्वीर एक बार फिर से रेड पर है हालांकि पिछला रेड कामयाब था इनका। राइट कॉर्नर आवेश का शिकार किया था उन्होंने इस कैच के जरिए। और इधर फिर से पूरी कोशिश करते हुए पॉइंट लाया जाए लेकिन अभी तक पॉइंट मिला नहीं है। 4-0 की लीड इस समय तेजगढ़ के पास जबकि पहले हाफ का खेल इस समय चल रहा है। समय भरपूर है यहाँ पर दोनों टीमों के पास। क्या पलटवार करेगी गोपालपुर की टीम जबकि पहले हाफ का खेल इस समय चल रहा है। दोनों ही राइट कॉर्नर निश्चित तौर से दोनों बेहतरीन रीडर भी है और अच्छा डिफेंस भी कर रहे हैं आज सारी इस समय रेड पर। और यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई लेकिन इस कैप के जरिए अपने आप को बचाया। एक और पॉइंट यहाँ पर तेजगढ़ के लिए आता हुआ जबकि पहले पॉइंट की तलाश में इधर रेडर गोपालपुर। सबसे बड़ी चुनौती गोपालपुर के पास है कि पॉइंट लाया जाए खाता खोला जाए। साली में एक बार फिर से रेड पर
जबकि तीन खिलाड़ी आए सुपर टैकल वन है, क्या सुपर टैकल के जरिए यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब होगी गोपालपुर की टीम। यहाँ सारी ने टॉस शिकार करते हैं, रनिंग किक लगाई और यहाँ पर अपने आप को बचाया जरूरी रन, एक पॉइंट का इशारा है। भाई भाई थोड़ा सा इशरार भाई, हमें लग रहा है कि आपकी आंखें थोड़ा सा कमजोर हो रही है, रोशनी की कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। हालांकि बहुत ही बेहतरीन रिफर किया है आज इशरार ने। लास्ट खिलाड़ी इस समय क्या यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ पर साली के हाथों में शिकार हुआ है, तो इस तरीके से वन प्लस टू का इशारा आया, तो 10-0 के लिए पहले पॉइंट की तलाश। बड़ी चुनौती इस समय गोपालपुर के, क्या पॉइंट खाता खोलने में कामयाब होंगे, जबकि पहले हाफ का खेल इस समय चल रहा है। तस्वीर इस समय रेट पर निश्चित तौर से तेजगढ़ एक बढ़िया टीम है, दो खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताती है, जिसमें कि सालिम और तफसीर है। आमतौर पर ये बड़ी कबड्डी होती है उन खिलाड़ियों के साथ ही खेलते हैं, और यहाँ पर सोलो टैकल में तफसीर यहाँ पर दो पॉइंट लेकर के आया है, लेकर के दो पॉइंट के जरिए खाता खुलता हुआ गोपालपुर का। सालिम समय इस दो पॉइंट के साथ पैदावार करेगी गोपालपुर की टीम, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है, समय भरपूर है। निश्चित तौर से एक अच्छे रनर है, ज्यादा निर्भर करती है तेजगढ़ की टीम, दोनों खिलाड़ियों के पास। हालांकि एक खिलाड़ी बाहर है, तफसीर बाहर है, क्या उन्हें रिवाइव कराएंगे यहाँ पर तेजगढ़ के डिफेंडर। हालांकि इस समय रेड करता हुआ गोपालपुर का रेडर, पिछला रेड कामयाब था, दो पॉइंट लाने में कामयाब हुए थे, इस बार यहाँ पर रेड एम की जाता हुआ साले भी समय रेड पर। क्या यहाँ पर एक बड़ी चुनौती इस समय सालिम के पास, पूरी कोशिश करते हुए सालिम भी पॉइंट लाया जाए, अभी तक पॉइंट मिला नहीं है, हाथ खाली एम्प्टी रेड पर खेलते हुए। हालांकि एम्प्टी रेड पर खेलते हैं तो इस घर के खिलाड़ी तो ज्यादा यहाँ पर मुश्किल है, और यहाँ पर सोलो टैकल में फंसाया लाइट कवर का खिलाड़ी, तफसीर को रिवाइव कराया, फिर से रेड के लिए आए हैं। क्या यहाँ पर तफसीर का शिकार करेगी गोपालपुर की टीम इस समय रन करते हुए। पहले हाफ का समय धीरे धीरे करके आप, और यहाँ पर बोनस बिल्कुल दे दिया है गोपालपुर की टीम, आइए स्वागत है, आप बोनस लेके जाइए जी हाँ, बोनस मिलता हुआ। छह खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर, रेडर गोपालपुर निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर की पॉइंट लाया जाए। हाफ टाइम का लास्ट रेट, हाफ टाइम का लास्ट रेट, चलिए हाफ टाइम के बाद किस तरीके का खेल दिखाएगी गोपालपुर की टीम ये देखने वाली बात होगी। रनिंग हैंड टच का प्रयास किया गया और हाफ टाइम का इशारा आता हुआ रेफरी का, पॉइंट पर नजर डाली जाए तो 10-12-2 का स्कोर, यानी कि 10 पॉइंट के लिए। चलिए मैच प्रारंभ कराइए, तो हाफ टाइम के बाद क्या खेल यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ तस्वीर इस समय रेड पर, जबकि छह खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई गोपालपुर की टीम। निश्चित तौर से अगर पलटवार करना है तो यहाँ पर पॉइंट लाने होंगे, वो चाहे रेड में हो या फिर टैकल के जरिए गोपालपुर को। और जिस तरीके से मैच अभी तक चला, अगर यहाँ पर अभी तक चला तो निश्चित तौर से औपचारिकता ही बाकी रह जाएगी, क्योंकि काफी पीछे है गोपालपुर की टीम, 10 पॉइंट से पीछे है, 10 पॉइंट से लीड कर रही है इस समय तेजगढ़ की टीम, जबकि सेकंड हाफ का खेल इस समय चल रहा है। रेडर गोपालपुर
एक जगह से खड़े होकर रेड करते हुए, हालांकि ये तकनीक उनके लिए काफी घातक साबित हो सकती है क्योंकि उनके सामने एक बेहतरीन डिफेंडर है। तस्वीर तस्वीर टाइम बाट की रणनीति अपनाते हुए टाइम पास करते हुए यहाँ पर, हालांकि गेम स्लो करना चाहती है यहाँ पर तेज गढ़ की टीम। एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है क्योंकि 10 पॉइंट की लीड है और यहाँ पर पॉइंट लेकर के आए हैं। 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ रेफरी, तो लीड जो है वो 12 पॉइंट की हो चुकी है। 14 2 का स्कोर है। क्या सेकंड हाफ में खाता खुलवा और यहाँ पर स्कैप करने की कोशिश की गई रेडर द्वारा, लेकिन सामने से प्लेयर सिर्फ 3 खिलाड़ी सुपर टैकल, सिर्फ इकलौता एक खिलाड़ी है जिसने एक रेड में 2 पॉइंट लेकर के आए थे गोपालपुर के लिए, वही 2 पॉइंट है और यहाँ पर स्कैप करते हुए अपने आप को बचाया सालिम ने। और पॉइंट आता हुआ तो एक बार फिर से ऑल आउट के मोहाने पर खड़ी है गोपालपुर की टीम। निश्चित तौर से वन साइड होता हुआ मुकाबला, बहुत ही सुंदर यहाँ पर लेफ्ट इनका खिलाड़ी है एंकल होल्ड के जरिए यहाँ पर रेडर का शिकार किया है। 1+2 का इशारा आता हुआ देख लिया, बॉल आउट हो चुकी है गोपालपुर की टीम। 20-2 का स्कोर। सबसे बड़ी चुनौती कि क्या सेकंड हाफ में कोई पॉइंट आएगा गोपालपुर के लिए, और आएगा भी तो कौन खिलाड़ी लेकर आएगा, रेड में आएगा कि डिफेंड में आएगा। जी हाँ बिल्कुल, आ जाइए आप, आ जाइए, रेफरी का डिसीजन अंतिम सम्मान। ये समय रेड है गोपालपुर, क्या पॉइंट लेकर के आएंगे, हालांकि 2 पॉइंट इन्होंने लेके आए थे गोपालपुर के लिए, सिर्फ वही 2 पॉइंट अभी तक गोपालपुर के खाते में। अच्छा एक टेक्निकल पॉइंट कहा जा सकता है उसे, वो अपने आप दे दे रहे हैं एक तरीके से गिफ्ट समझिए। और यहाँ पर रेडर तरफ से 9 क्रॉस की रणनीति अपनाई जा रही है उनके खिलाफ, कितना तक साबित होगी ये देखने वाली बात। जी हाँ, हालांकि 9 क्रॉस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब आप पीछे से नहीं कुछ कर पाए, बोनस दे दिए थे गिफ्ट में, तो 9 क्रॉस पे क्या करेंगे। औपचारिकता ही बाकी कह लीजिए। सालिम इस समय रेड पर, नौकरास की रणनीति सालिम के खिलाफ थी और यहाँ पर शिकार किया गया है रेडर का, रेड आउट। पहला पॉइंट यहाँ पर डिफेंस में आता हुआ गोपालपुर के लिए, जबकि सेकंड हाफ में रेडर गोपाल ठीक जरूर लगाई थी उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर पर। हालांकि इतने कोच यहाँ पर गोपालपुर के रेडर को मिल गए हैं कि भौचक्के हैं वो, कहां से किसकी कोचिंग पर ध्यान दिया जाए, और यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ। चलिए सिर्फ 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट, 5 खिलाड़ी कोर्ट पर है। 23-4 का स्कोर। अच्छा अच्छा अपने आप को बचाया वहां पर डिफेंडर ने, इधर रेडर गोपालपुर सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। पूरी कोशिश करता हुआ रेडर की बॉक्स लाइन के पास जाया जाए और यहाँ पर पॉइंट आया है। जी हाँ कम से कम 2 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ गोपालपुर को।
हालांकि नौ क्रॉस की रणनीति अपनाई गई, लेकिन ये रणनीति घातक साबित होती हुई यहाँ पर गोपालपुर के लिए। तेजगढ़ ने अच्छा खेल दिखाया इस सेमीफाइनल मुकाबले में। तेजगढ़ की बात करें तो पूरे जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है इस 55 किलो वाली कबड्डी में। यहाँ पर क्रॉस लेना भी बहुत बड़ी बात हो चुकी है गोपालपुर के रेडर के लिए। टच किया गया रेडर को। मात्र 40 सेकंड कह लीजिए बचा हुआ है इस मैच में। ये लास्ट रेड है इस मैच के। डैश किया गया यहाँ पर एक और पॉइंट तेजगढ़ के लिए आता हुआ। इस तरीके से मैच की समाप्ति की घोषणा होती हुई और इस मैच को 36-6 के स्कोर से जीता है तेजगढ़ ने। चलिए सेकंड सेमीफाइनल के लिए टीम को बुलाइए।